सो गाइज, अब जब ये वीडियो देख रहे होगे तो गेम में एक चैलेंज आया है जो है रॉयल चैलेंज, और इस चैलेंज को कैसे कंप्लीट करना है एक ही अटेम्प्ट में आज के वीडियो में उसी पॉइंट के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। बट गाइज, आगे बढ़ने से पहले प्लीज एंड प्लीज एक चुम्मा सपोर्ट जो आप मुझे हमेशा करते हो, वो क्रिएटर कोड अड्डा जरूर करें, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलें। एंड वीडियो के एंड में गाइज आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, तो उसके लिए वेट करें। ओके, सो गाइज लेट्स बिगिन। अब देखो, बेस में अगर आप देखोगे ना, जैसे मैंने पहले भी बताया 14 किंग क्वीन है, तो फ्लैंक में सारे लेफ्ट एंड राइट फ्लैंक में आपको हीरोज दिख रहे होंगे। तो हमारा एम पता क्या है कि एक फ्लैंक जो है वो लेफ्ट या राइट आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो हमें क्वीन से निकालना है और दूसरा हमने पिक्का से निकालना है, और सेंटर पर हमने अपनी हाइब्रिड जो है वो रन करानी है। तो हम क्या करेंगे गाइज, यहाँ पे इस कॉर्नर पे ना क्वीन को ड्रॉप करेंगे विद 3 हीलर्स और एक माइनर ड्रॉप करेंगे यहाँ पे, ताकि सीसी जो है वो ल्यूर हो जाए। एम इंपॉर्टेंट ये है कि 3 से ज्यादा हीरोज के साथ हमको इंगेज नहीं होना। अगर आप 3 से ज्यादा हीरोज के साथ इंगेज हो गए गलती से भी, तो आपकी क्वीन बच नहीं पाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने 3 हीरोज को इंगेज किया था और हमारा 4th जो किंग था वो बहुत दूर था, तो हमने यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है। अब हमारे पास हम चाहे तो एक आधा माइनर यूज कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप चाहो तो करो, नहीं करना है तो नहीं करो। यहाँ पे हमने एक माइनर यूज किया और ताकि क्वीन को थोड़ा सपोर्ट मिले, और जब तक यहाँ पे सीसी क्लियर हो रहा है तब तक मीन वाले हम क्या करेंगे गाइस, अपने ट्रिपल पे का जो है वो कॉर्नर पे ड्रॉप करेंगे। यहाँ पे एक टेस्ला है जिसको हमने क्लियर करना है, और ये टेस्ला क्लियर करके हम एनिमी हीरोज को एंगेज करेंगे और धीरे धीरे हीरोज को क्लियर करते हुए बेस के आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक माइनर आप यहाँ पे चाहो तो यूज कर सकते हो, टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप करना चाहो तो करो वरना मत करो, कोई ऐसा सीन नहीं है कि आप माइनर यूज नहीं करोगे एक तो आपको कोई दिक्कत होगी। अब हमारी क्वीन, जैसे हम मेक श्योर करेंगे कि क्वीन सही जा रही है, हम ना सेंटर से अपने माइनर्स थोड़ा वेट करेंगे, क्योंकि आप जल्दी हॉग्स ड्रॉप कर दोगे तो फिर जो हॉग्स है ना वो जो है वो जल्दी टारगेट हो जाएंगे। तो जैसे थोड़े माइनर्स पीछे जाते हैं, टैंक मिलता है वहां पे, हम यहाँ पे हॉग्स ड्रॉप कर रहे हैं, रेज कर रहे हैं सेंटर में, और कोशिश ये रहेगी कि हॉग्स जो है वो क्लोन हो ना कि माइनर्स क्लोन हो जाए। तो जैसे ही आप देख रहे हो सारा सीन जो है वो हमारा बहुत तगड़ा जा रहा है। एक रेज अभी भी हमारे पास बचा है जो हम यहाँ पे एक्सपोज के सामने फिर से कर देंगे। क्वीन हमारी स्ट्रांग जा रही है, क्वीन को कोई टेंशन नहीं हो रहा, और उसी के साथ हमारे पेकास जो हैं वो भी काफ़ी स्ट्रांग जा रहे हैं, और कोर जो है वो क्लियर हो जाएगा। जैसे कोर एक बार क्लियर हो गया ना गाइज, उसके बाद आपको कोई टेंशन ही नहीं है। आप देख सकते हो काफ़ी सारे बल्क में माइनर्स एंड हॉग्स जो हैं वो कोर में हैं, इन्फर्नोज जो हैं वो क्लियर हो रहे हैं, और एक बार इन्फर्नोज क्लियर हो गए भाई उसके बाद तो आपको पता ही है इस बेस में कोई डिफेंस करने वाला कुछ है नहीं। मेरी क्वीन स्ट्रांग जा रही है, मेरा किंग जो है, सॉरी जो मेरा पेका है वो अभी भी राइट साइड के जो हीरोज़ हैं उनको क्लियर कर रहा है, और फाइनली अगर आप देखोगे गाइस तो सारे के सारे चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो चुकी है। बस एक सिंगल टारगेट इन्फर्नो बचा हुआ है, बट दिक्कत नहीं है क्योंकि अभी भी हमारे पास माइनर्स थोड़ी क्वांटिटी में बचे हैं। क्वीन विथ एबिलिटी बची है, एक बलून बचा हुआ है जो हम डिस्ट्रैक्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही स्ट्रांग आपकी ये वाली स्ट्रेटजी रहने वाली है गाइज, बहुत मुश्किल होगा। आप मुझे लगता है कि आप एक ही चांस में हर बार क्लियर कर लोगे, बट अगर आप एक चांस में क्लियर नहीं भी कर पाते हो तो क्या फर्क पड़ता है गाइज, क्योंकि अनलिमिटेड चांसेस हैं, आपको कोई टेंशन नहीं। आप एक बार और ट्राई मार सकते हो, बट मुझे नहीं लगता कि आपको एक बार और ट्राई मारने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इस वाले आर्मी के साथ ऐसी स्ट्रेटजी अगर आप लगाओगे तो मैं श्योर हूं कि आप एक ही चांस में जो है ये बेस क्लियर कर लोगे। अब देखो पिक्का यहाँ पे वॉल ब्रेक करेगा, क्वीन भी सपोर्ट कर रही है, बट क्वीन जो है वो अलग ही वॉल ब्रेक कर रही है, बट कोई दिक्कत नहीं है। 29 सेकंड्स ऑन द क्लॉक गाइज, यहाँ पे मैं बलून सेंड जो कर दूंगा ताकि ये बलून जो है वो थोड़ा टैंक करे फॉर द क्वीन। क्वीन एबिलिटी यहाँ पे हम यूज कर लेंगे, और ये क्वीन एबिलिटी यूज करने के बाद क्वीन आके एक दो शॉट और एक ही शॉट में इस इन्फर्नो टार को खत्म कर देगी, और उसी के साथ हमारा इजी पीजी लेमन क्वीजी ट्रिपल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। नाउ गाइस, एज हमने की बहुत ही आराम से अपना इवेंट कंप्लीट कर लिया, मैं अब आपको सीनरी दिखाना चाहूंगा जो नया सीनरी आया हुआ है, और सच में बताऊं तो बहुत ही चुम्मा सीनरी है वो यहाँ पर, रॉयल सीनरी और क्लैश रॉयल से मोटिवेटेड है। आप देख सकते हो क्लैश रॉयल की चीजें आपको देखने को मिलेंगी, और मैं सरप्राइज के बारे में बात कर रहा था। तो गाइज, अगर इस वीडियो में 20,000 लाइक्स आते हैं, एक बड़ा एम रख रहा हूँ ऑब्वियसली, एंड उसी के साथ 1,000 कमेंट्स आते हैं, तो मैं दो जो है ये सीनरी गिव अवे करने वाला हूँ, और जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा वैसे मैं विनर्स जो है वो डिक्लेयर कर दूंगा इन वीडियोस के कमेंट से। ये वाला जो वीडियो है इसी वीडियो के कमेंट से मैं डिक्लेयर कर दूंगा, तो फटाफट जाकर कमेंट करो, लाइक कर दो, और देखते हैं कि कौन दो लकी विनर होते हैं जो ये सीनरी जीत। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही था, आई होप यू आपको वीडियो पसंद आई होगी। तब तक मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, अक्षर एंड एज ऑलवेज जय हिंद।